हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है आज 8 जुलाई। इस समय है मॉर्निंग कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे क्या समय होता है? करंट अफेयर क्विज। 5 क्वेश्चन करते हैं। देखो आज 5 क्वेश्चन आपके लिए अनअकैडमी ऐप पर भी आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ पर, 5 क्वेश्चन अनअकैडमी ऐप पर। करंट अफेयर बेस 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 10 क्वेश्चन डेली, मतलब 10 टॉपिक डेली कराऊंगा। प्लस मैं 10 टॉपिक के साथ साथ मैं आपको कम से कम 6 से 7 टॉपिक हमारे करंट अफेयर सेशन में रहेगा। 20 टॉपिक मैं आपको डेली करा रहा हूँ करंट अफेयर के, जिससे बाहर ना कुछ है ना कुछ होगा। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। ये पूरा करंट अफेयर जो है ये यूपीएससी सीएससी 2020 और 2021 के लिए बहुत 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 ही जरूरी रहने वाला है, ठीक है? सो आई मस्ट टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जाम। एज ऑल ऑफ यू नो, यूपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या करंट अफेयर का रोल है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए सब, ठीक है? सो गाइज प्लीज रिमेंबर दिस, आपको ये बात को याद रखना है कितना इंपॉर्टेंट है। एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स वाई स्टार्टेड द न्यू, एक नया सेशन मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आप देखोगे तो एक क्लास अपने कर दी है आपका 6 PM पर, रात में 6 PM स्पेशल क्लास, देन अपनी 7 PM पे स्पेशल क्लास है। एंड देन अगर मैं बात करूँ तो 11 PM पे आज स्पेशल क्लास है। तो वी हैव 3 स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी ऐप। 3 स्पेशल क्लास आप करने वाले हो आज मेरे साथ में। चलिए करंट अफेयर 8 जुलाई यूपीएससी सीएससी 2020-2021-2023 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सुमित 10 यार ये मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल करोगे दोस्तों टू गेट एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। आपको अगर एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन चाहिए, कोड क्या यूज करोगे दोस्तों? सुमित 10। एक बात मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलेंगे कि मेरा कोड यूज करो, सुमित सर भी पढ़ा देंगे, सुमित सर की क्लास लगेगी अलग वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ, सीधा सीधा बोल देता हूँ, जिस बच्चे को मेरे से गाइडेंस चाहिए ना, जिस बच्चे को मेरे ग्रुप में आना है, जिस बच्चे को मेरे से पढ़ना है, वो मेरा ही कोड यूज़ करें। किसी के बहकावे में ना आए, वो बोलेंगे ये कोड यूज़ करो, फलाना करो, ढिकड़ा करो, कुछ नहीं करना। मेरे से जुड़ना है सीधा, कोड यूज़ करना है सुमित 10, ठीक है? कोई मतलब ग्रुप नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, इंडिविजुअल है। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे ग्रुप में आना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सुमित 10। आपको सुमित 10 कोड ही यूज़ करना पड़ेगा, आप मेरे से जुड़ पाएंगे। दोस्तों आज अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं आपका यूपीएससी सीएससी 2020-21 के लिए। तो मेरा प्रोग्राम है यहाँ पर, आप लोगों ने सुना भी होगा, पता भी होगा आपको, हमारा प्रोग्राम है मिशन आईएएस, ठीक है? मिशन आईएएस 2020, मिशन आईएएस 2021, दो प्रोग्राम हमारे करंट में रनिंग है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके। क्या करना है, कैसे करना है 2020 और 2021 के एग्जाम के लिए, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरा यूपीएससी एज प्रोग्राम 2020 क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज फिजिकल ज्योग्राफी, ये आपका दोस्तों लाइव है अभी वर्तमान, ये आपका हो चुका है, आप देख सकते हो। आपको जुड़ना है, आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी जुड़ना है, आपको इकोलॉजी के लिए भी जुड़ना है, तीनों कोर्सेज के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हो। बट याद रखना है आपको मेरा कोड क्या है दोस्तों, सुमित 10। आपको याद रखना है कोड अपना सुमित 10 है, सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे एंड देन आप मेरे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट नेशनल लाइकेंस पार्क, इंडिया का पहला लाइकेंस। लाइकेंस का मतलब क्या होता है? इस टाइप से देख रहे हो आप, ये काई, लाइकेंस मीन्स काई। सो इंडिया का पहला लाइकेंस पार्क जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया, कहाँ पर? उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने किया है। लाइकेंस क्या होती है, इससे संबंधित सवाल मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, उससे फिर आपसे संबंधित पूरा डिस्कशन भी मैं करूँगा, ठीक है? पहला, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइकेंस। लाइकेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला क्या है, लाइकेंस इज अ सिम्बायोटिक पार्टनरशिप ऑफ टू सेपरेट ऑर्गेनिज्म, एक फंगस होती है, दूसरा होता है साइनोबैक्टीरियम। लाइकेंस दो अलग अलग जीवों का सहजीवी साझेदारी है, एक कवक और एक साइनोबैक्टीरियम इसके अंदर होता है। दूसरा, दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द हैबिटेट एंड द क्लाइमेट चेंज। दोस्तों ये निवास, हैबिटेट मतलब निवास, और क्लाइमेट चेंज के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है एंड वाइडली यूज्ड एज अ बायो इंडिकेटर, और विस्तार रूप से एक बायो इंडिकेटर के रूप में हम जैव संकेतक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैविक प्रक्रियाएं जो है पृथ्वी के ऊपर उनके बारे में एक संकेत ही आपको प्रदान करता है। आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। सो इसके अंदर बताऊं मैं, दोनों बातें बिल्कुल सही है। लाइकेंस एक सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक मतलब दो अलग अलग जीव है, दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो आपका क्या है दोस्तों साइनोबैक्टीरियम, और दूसरा क्या है दोस्तों एक आपका फंगस। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, इससे इस पे डिपेंड करता है, इस पे, दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरे करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक, एक दूसरे पर निर्भर है, सहजीवी बोलते हैं इसको। दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए यहां पर पूछा है नॉट करेक्ट। सो नॉट करेक्ट तो दोनों नहीं है, सो नाइदर वन नॉट टू, डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है दोस्तों, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क इन कुमाऊ। उत्तराखंड वन विभाग ने कुमाऊ में भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो स्थापित किया है।
लाइकिन, लाइकिन की अगर मैं बात करूं तो लाइकिन इज नॉट ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, रादर इट इज अ सिम्बायोज़म बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अ फंगस एंड एन एल्गा जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरियम, एक एल्गी और एक ये होता है जिसके साथ में हम इसको जानते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, सो दिस इज अवर लाइक करंट अफेयर टुडेज, आपके टुडेज स्पेशल क्लास ऑन अन अकेडमी पर मैंने आज 3 स्पेशल क्लास रखी है, 1, 2 and 3, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। डेली करंट अफेयर क्विज न्यू क्लास, देखो न्यू क्लास मैंने स्टार्ट की है, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, वी आर गोइंग टू डू डिस्कस द 5 क्वेश्चन, दीज आर डिफरेंट, इन सवालों से अलग 5 सवाल मैं आपको और कराऊंगा, मतलब समझ रहे हो, 5 यहाँ पर 5 शाम को 6 बजे, कुल मिला के आप 10 क्वेश्चन दिन में कर रहे हो, उसके बाद कम से कम 6 से 7 टॉपिक आप कहाँ कर लोगे आप करंट अफेयर के सेशन में, तो कुल मिला के दिन में मैं आपको 15 से 20 टॉपिक मैं आपको करंट अफेयर के कराऊंगा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। दूसरा, उसके बाद सेकंड क्लास है अपनी पॉलिटी स्पेशल क्लास, कब है 7 PM पर। थर्ड है अपनी ज्योग्राफी क्विज, कब है अपना 11 बजे, 11 PM रात को 11 बजे। तो आप 3 क्लासेस में आप मेरे साथ बने रहोगे, आज ये टुडेज आज की क्लास है दोस्तों, तो आज की इन 3 क्लासेस में आप मेरे साथ रहोगे। लाइकेंस कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों, साइनोबैक्टीरियम जो होता है ना, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, कई लोग आज भी इनको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द हैबिटेट, मैं आपको बता चुका हूँ, आपका निवास होता है, निवास और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव है, और इनको जैव संकेतक के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये प्रदूषण को भी इंडिकेट करते हैं कि प्रदूषण लेवल कितना है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट अभी पिनाका वार हेड आपको दिख रहा है, पिनाका वार हेड ये क्या है, तो अभी अगर मैं बात करूं तो हमारी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ना DAC, उसने क्या किया है, पिनाका मिसाइल सिस्टम और दूसरा एक और अस्त्रा, दो चीज़ों को अभी इंडियन जो आर्म्ड फोर्स है उनके अंदर क्या किया, इंक्लूड किया, इनकलकेट किया। देखो अगर आपको पता हो दोस्तों, आप जानते हो चाइना के साथ हमारे क्या हालात है, और चाइना का ना कतई भरोसा नहीं किया जा सकता, चाइना ना कुछ भी कांड कर सकता है, तो ऐसे में हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा चाइना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कैसे दे सकते हैं चाइना को मुंह तोड़ जवाब, अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है हमें उनको मजबूत करना पड़ेगा। डिफेंस कैपेबिलिटी कैसे मजबूत करेंगे, ऐसे ही मजबूत करेंगे जैसे हम बात कर रहे हैं, है ना, हम नई नई टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करेंगे, तो उसी में क्या किया, पिनाका और अस्त्रा दो चीजों को आपका इंडक्ट किया गया है, किसके अंदर आपका दोस्तों, इंडियन आर्म्ड फोर्स के अंदर। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पिनाका मिसाइल, तो पिनाका मिसाइल के बारे में आपको दो बातें को ध्यान में रखना है, बताना है कि सही है कि नहीं है। पिनाका मिसाइल इज एन आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय द DRDO, दोस्तों ये क्या कह रहा है, एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है, पहली बात। दूसरा, द नेविगेशन सिस्टम ऑफ मिसाइल इज एडेड बाय द इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम IRNSS के द्वारा इसको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है, दोनों की दोनों बात सही है, DRDO ने इसको डेवलप किया, बिल्कुल सही बात है, और जो भारत जो नेविगेशन सिस्टम है वो हमारा IRNS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा इसका किया जाता है। दोनों की दोनों का स्टेटमेंट जो है दोस्तों एकदम ओके की रिपोर्ट है, सो सही स्टेटमेंट है आपका क्या, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC चेयर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर क्लियर द प्रपोजल टू बूस्ट द कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 सर्विसेज। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC के 3 सेवाओं के युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ना, मंजूरी दे दी है कि ठीक है भैया तुम डिफेंस अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को क्या करो, बूस्ट करो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट जो है वो क्या है, दो, एक तो पिनाका है, दूसरा क्या, अस्त्र। सबसे मुख्य रूप से ये दो हैं, पिनाका और अस्त्रा मिसाइल सिस्टम, जिनको हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। कुछ अतिरिक्त आपके फाइटर जेट्स भी हैं जिनको हमने इंडक्ट किया है, जिसमें हमने रशिया से खरीदे हैं सुकोई, है ना, मैंने बताया था आपको। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, MBRL है, सिस्टम है, बेसिकली इट इज डेवलप्ड बाय द DRDO डिसेंट आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। इट इज एन आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग इन टू द एनिमी टेरिटरी अप टू द रेंज ऑफ 75 किलोमीटर्स विद हाई प्रिसीजन। देखो ये एक आर्टिलरी मिसाइल, एक मिठाइल सिस्टम है, ये दुश्मन जो है ना उसकी सीमा में लगभग 75 किलोमीटर तक अंदर तक वार कर सकता है, 75 किलोमीटर। द नेविगेशन सिस्टम ऑफ द मिसाइल इज ऑल्सो एडेड बाय द इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम IRNS के द्वारा इसको क्या किया जाता है दोस्तों, इसको सहायता प्रदान की जाती है। सो का नेविगेशन सिस्टम भी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS द्वारा सहायता प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर,
गृह मंत्रालय क्या है, इससे संबंधित चीज है क्या है, मैं बता देता हूँ। हाल ही के अंदर रणवीर सिंह कमेटी है दोस्तों, आपने रणबीर कपूर की बात नहीं कर रहा, मैं रणवीर सिंह की बात कर रहा हूँ। तो रणवीर सिंह कमेटी बनी है और ये रणवीर सिंह कमेटी रिसेंटली अभी न्यूज़ में देखी गई है, तो आपको बताना है क्यों न्यूज़ में रही है। तो रिसेंटली रणवीर सिंह कमेटी ऑफन सीन इन द न्यूज़, वो किसके लिए, किस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है, तो आपको बताना है दोस्तों। टू रिव्यू द गैस प्राइसिंग फार्मूला, टू प्रपोज द रिफॉर्म मेजर इन द क्रिमिनल लॉ, टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्री जुडिशियल गाइडलाइन ऑन द रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द एडवांसेस ऑफ द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नन ऑफ द अबाउ। तो मैं आपको बता दूं इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है, बी बी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे क्रिमिनल लॉ है ना, उसके अंदर क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या क्या हम उसमें आपका कुछ प्रपोजल है, क्या क्या हम उसमें प्रपोज कर सकते हैं मीजर्स, ताकि उनको सुधार किया जा सके, है ना, उसके लिए बेसिकली हमने काम जो है वो स्टार्ट किया। तो तीसरे के अंदर अगर मैं बात करूं तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी हमारा सही जवाब है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल लेवल कमेटी फॉर द रिफॉर्म इन द क्रिमिनल लॉ। गृह मंत्रालय ने अभी अभी हाल ही में आपराधिक कानूनों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है। द कमेटी विच हैज सेवरल लीडिंग लीगल अकेडमिशन ऑन द बोर्ड वुड बी गैदर्ड ओपिनियन ऑनलाइन कंसल्टिंग विद एक्सपर्ट इन कलेक्टिंग मटीरियल्स फॉर द रिपोर्ट ऑन द गवर्नमेंट। देखो बहुत सारे ऐसे जो कानूनी शिक्षावादी हैं जो ऑनलाइन राय जुटा रहे हैं, विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। द कमेटी इंक्लूड्स धर्मवीर सिंह चेयरपर्सन, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटीज दिल्ली, जीएस वाजपेयी, ठीक है, ये सारे लोग इसके अंदर शामिल है। तो चेयरपर्सन क्या, रणवीर सिंह है, तो इसीलिए इसको हम रणवीर सिंह कमेटी के रूप में जानते हैं। तो रणवीर सिंह कमेटी क्यों बनी है दोस्तों, फॉर द क्रिमिनल लॉ, टू प्रपोज द रिफॉर्म्स मेजर्स इन द क्रिमिनल लॉ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए ये देख लिया, अब अगली बात करते हैं दोस्तों। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको, एंटी डोपिंग है, मतलब डोपिंग को आपको प्रोहिबिट करना है, ठीक है। जो यार खेलों के अंदर जो नशा होता है ना, तो ये नशा मुक्ति अभियान है बेसिकली, कहाँ के अंदर, ये आपका खेलों के अंदर है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ। सो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में क्या है, अभी अभी इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है और उस ऐप के द्वारा जो खिलाड़ी है ना, उनको ये बताना चाहते हैं कि डोपिंग नहीं करनी चाहिए, डोपिंग के खतरे हैं, एथिक्स वायलेट होता है, आपको एथिकली रह के खेल खेलना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी डोपिंग एजेंसीज, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली बात, इट एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया हैविंग अ विजन ऑफ डोप फ्री स्पोर्ट्स। दोस्तों इट एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एंटी डोपिंग संस्थान के रूप में काम करती है इंडिया के लिए। Having a vision of dope-free sport, इसका विजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि खेलों को डोपिंग मुक्त किया जा सके, सिंपल इसका पर्पज है। इट इंप्लीमेंट्स द एंटी डोपिंग कोड टू अचीव द कंप्लायंसेज बाय ऑल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्रीज एक्सेप्ट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया BCCI विच हैज बीन इट्स ओन कोड। देखो BCCI को छोड़ के बाकी जितने भी खेल हैं सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी अभी रिसेंटली BCCI ने हाँ कर दी है, तो BCCI भी जो है अब इसी के अंडर में आ गया, अदरवाइज ये इसके अंडर में नहीं था पहले, है ना। तो फर्स्ट तो है ही, एक इंडिपेंडेंट एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसको डोपिंग रोधी संगठन के रूप में, एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी के रूप में इसको रजिस्टर्ड किया हुआ था, जिसका पर्पज़ क्या है दोस्तों, खेलों को डोपिंग मुक्त बनाना, ये इसका क्या है दोस्तों, आपका पर्पज़ है, ठीक है। सही सवाल है वन, अभी अभी हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA नाडा लॉन्चेस दी मोबाइल ऐप टू एजुकेट द एथलीट्स ऑन द डोपिंग। हाल ही के अंदर एथलीट को शिक्षित करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बेसिकली क्या है, इट इज अ वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म टू एजुकेट द एथलीट्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ द बैंड सब्सटेंसेस एंड टू एनहांस द परफॉर्मेंस। ये क्या करते हैं, देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेसिकली जो बैन है, लेकिन उनका आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, आपका ऑक्सीजन बर्न, जो ऑक्सीजन बर्न करने की कैपेसिटी है या इंस्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनसे उनका यूज़ ना करें क्योंकि उनसे नुकसान होता है ना, वो चीज़ बताने के लिए जो है ये काम किया गया है, ठीक है। चलिए, सो नाडा जो है वॉज सेटअप एज द रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। नाडा को 1860 में जो आपका रजिस्टर्ड सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, उसके तहत इसको बनाया गया था। इट एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया विद द मैंडेट ऑफ डोप फ्री स्पोर्ट इन इंडिया।
ये भारत के डोप मुक्त खेल के जनादेश के साथ भारत के लिए एक स्वतंत्र डोपिंग रोधी संगठन के रूप में कार्य करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, आर टू इंप्लीमेंट द एंटी डोपिंग रूल्स एज पर दी वाडा कोड, जो वाडा कोड होता है ना उसके एंटी डोपिंग रूल को ही इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो सभी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्री है वो इसके अंडर में आती है, बस बीसीसीआई नहीं आता था, लेकिन बीसीसीआई ने अभी अभी इसकी बात को माना है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अभी अभी आया ना कि अगस्त 2019 में उन्होंने अपने आप को इसके अंडर में किया है। अगला सवाल है दोस्तों नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड जो है दिस इज एन लाइक एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। नारकोंडम कहाँ पर है आपका, ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर है नारकोंडम, जिसकी हम बात करते हैं, नॉट एक्टिव, दिस इज डोरमेंट वोल्केनो, वोल्केनिक ओरिजन का ये आइलैंड आपका, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ, नारकोंडम हॉर्नबिल जो एक लाइक यहाँ की एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो उसको यहाँ पर स्पॉट किया गया है किसी के द्वारा, उसी से संबंधित है। नारकोंडम आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड वेयर, कहाँ पर लोकेटेड है, तो बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड के आपस देता। एक वाइल्ड फोटोग्राफर है, ट्रैक दी अंडमान निकोबार, ट्रैक दी एंडेंजर्ड आपका नारकोंडम हॉर्नबिल टू इट्स नेचुरल हैबिटेट इन द अंडमान्स, ठीक है। वहाँ पर इनको देखा गया है अंडमान के अंदर। सो एन एंडेंजर्ड स्पीसीज नारकोंडम हॉर्नबिल इज एन एंडेमिक टू द नारकोंडम आइलैंड्स इन द अंडमान, अंडमान में पाई जाती है। नारकोंडम आइलैंड जो है इज एन ओशोनिक आइलैंड, ऑफ ओशोनिक ओरिजन, मैंने बता दिया ओशोनिक आइलैंड है, और कैसा है, वॉल्केनिक ओरिजन, मतलब ज्वालामुखी से बना हुआ है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द नारकोंडम हॉर्नबिल, ठीक, क्लियर है। चलिए तो दोस्तों ये आपका अपना इंस्टाग्राम चैनल है यार, यहाँ पर फॉलो कर लो यार, आज ही नहीं फॉलो किया है तो। ये अपना क्या है दोस्तों, ये फेसबुक का पेज है, फॉलो कर लो। और ये क्या है दोस्तों, अपनी फेसबुक प्रोफाइल है, एफबी प्रोफाइल है, फॉलो कर लो, ठीक है। इसके अलावा ये अनअकैडमी देखो, जो भी बच्चा मेरे साथ यार अनअकैडमी पे जुड़ना चाहता है, सफलता चाहिए तो जुड़ना पड़ेगा अनअकैडमी, सब्सक्रिप्शन जो भी लेना चाहता है, आप मेरे को क्या कर सकते हो, यहाँ पर मेल कर सकते हो। मेल के अंदर सब्जेक्ट क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है दोस्तों क्या, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको मेरे को मेल करना है, कहाँ पर मेल कर सकते हो, sumitrati3@gmail.com और sumit.kumar@wifistudy.com। आप मेरे को यहाँ पर भी, ये फॉलो है, टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी यार आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। फॉलो क्यों करना है आपको पता ही है, फॉर द PDFs, PDF अगर आपको चाहिए होती है तो आप मेरे को यहाँ पर फॉलो करोगे, ठीक है। जो बच्चा अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल करोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, अनअकैडमी UPSC CSE, उसके बाद जाना है गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद या तो 12 या 14 मंथ का जाएंगे आप, यहाँ पे क्या सब्सक्राइब करेंगे, Sumit10 कोड याद रखना दोस्तों, कोड लगाना आपको नहीं भूलना है, यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड Sumit10, आपको ये कोड यूज़ करना है, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही आप मेरे ग्रुप में ऐड कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास आपका जब डेटा ही नहीं आएगा तो हाउ कैन आई मैनेज यू टू हेल्प, मैनेज यू टू ऐड इन माई ग्रुप, है ना। सो याद रखना दोस्तों, आपको ये क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मुझे आपको यहाँ पर ये कोड यूज़ जरूर ही जरूर करना है, ठीक है। सो जस्ट यूज़ दिस कोड, आप ये कोड यूज़ करेंगे, आप मेरे अकाउंट, अब मेरे ग्रुप में ऐड कर लूँगा मैं आपको, ठीक है। चलिए ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द क्लास, बट याद रहे आपका दोस्तों, आज अपनी कुछ फ्री क्लासेस मैंने आपके लिए रखी है, पता है ना कब कब अपनी फ्री क्लासेस है, देखो ये रहा अपना फ्री क्लास का शेड्यूल, ठीक है। चलिए ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।